आगे हम अपने बड़े भाई से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत लड़कियों के पार्लर में घुसे हैं लड़के। इधर ये शिवानी, ये कविता, ये सोना, इच्छुन बरात एंड ये रंगी साड़ी। ये है हमारी मौसी, उठते तो मौसी संगीता देवी। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पर, मतलब जैसे कि ये गांव है यहाँ पर बटकोटी गांव, और यहाँ पे ना मतलब सारे बारात वाले यहाँ पे इकट्ठे होंगे। उसके बाद जो है हम जाएंगे नीचे पैदल जहाँ दुल्हन का घर होगा ना वहाँ पर। तो ये देखिए आप यहाँ की खूबसूरत नजर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे पहुँच गए, और पहाड़ों में ना शादी पता है कैसे होती है, कैसे मतलब वन डे की होती है ज़्यादातर। तो हम लोग सुबह 9:30 बजे निकले थे घर से, और जो है अब करीब 1 बज गए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। और ऐसा होता है ना कि घर घर तक रोड नहीं जा रही होती, एक मेन रोड होती है, जैसे कि देखो ये मेन रोड है। तो हम सारी गाड़ियाँ जितनी भी हैं बारात की, हम तो कार में आए थे और बसें रहती हैं करीबी ना बारातियों के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पर मिलेंगे और उसके बाद नाश्ते नाश्ते जाएंगे दुल्हन के घर तक। अब क्या पता दुल्हन का घर जो है नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, तो वो हमको पता नहीं अभी कहाँ है। और बहुत ही अच्छा एरिया है ये एरिया ना, हमारा जो गांव है मेरे मायके वाला गांव, उससे भी मतलब शायद नीचे या ऊपर ऐसा कुछ है। तो ये देखिए पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे, ये देखिए देख सकते हैं, और यहाँ चल रहा है इनका फोटोशूट, ये देख सकते हैं। तो हमारे साथ वाले आपको मिलेंगे अभी थोड़ी देर में, तब मिल। ये देखिए हवा 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 से हो रहे हैं बाल भयंकर। तो यहाँ पर देखिए पहुँच गए हैं सारे सारे बराती, और अब हम यहाँ से चलेंगे दुल्हन के घर। देखिए बहुत बधाई हो।
सांसों में बस जाए, वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाए, हाय रे खुशबू ये महकाए, झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना मुल्क ये मेरा। हाइड कर सकते हो, अभी हाथ पकड़ रखा है। सारा शहर आज हो गया वे जो मैं पिछले दिनों तक रहा है तुम्हारा घर किस बार
देखी मैं जाऊँ तेरे हम सब उस बस में गाड़ी। तो दोस्तों यहाँ से बारात से तो दोस्तों अभी बजे हैं शाम के 4 और हम लोग यहाँ से बारात से निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि बारात को आने में तो अभी काफ़ी टाइम है, फेरे वगैरह चलेंगे। तो हम सोचे थे कि अब हमारे यहाँ क्या ही काम है और ऊपर से 7 में बच्चे, तो अब हम चलते निकलते। ये हमने रास्ते के लिए अपने लिए खाजा पहले रास्ते के लिए सामान ले लिया, तो चलो चलते हैं। कैसे लगे कविता तुझे गाँव? अच्छा भी लगा और गंदा भी लगा? गंदा। तो यहाँ से एक बार आपको व्यू दिखा देते हैं, फिर सीधा ऋषिकेश जाके मिलेंगे। वहाँ से निकल गए थे जल्दी और अभी हम पहुँचे यहाँ पर नरेंद्र नगर में। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि यहाँ पर आनंदा होटल बहुत फेमस है और 5-स्टार होटल है, जो कि पहले राजा का महल था बट अभी एक होटल में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ से ये देख सकते हैं आप ऋषिकेश के खूबसूरत नज़ारे, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और जो हमारी बारात है ना, बारात अभी वही है, वहाँ फेरे वगैरह सब कुछ होंगे तब वो लोग वहाँ से निकलेंगे, बट हम लोग इसीलिए निकले हैं क्योंकि वहाँ रिसेप्शन वगैरह का जो है वो भी देखना है। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर चलो देख सकते हैं एक बार। तो वैसे तो हम सीधा ही जा रहे थे बट मैंने सोचा कि इतना सुंदर व्यू है और आप लोगों को तो दिखाना बनता ही है, और हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया है तो अभी हमें आधा घंटा लग जाएगा वहाँ पहुँचने में, देख सकते हैं। और नीचे पहुँचते ही जाम होगा, लेकिन यहाँ पर जो मौसम है ना बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। तो अब हम सीधा मिलते हैं आपको घर पे जाके। दोनों को देखो, ये देखो कैसे बैठे हैं। हेलो दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों रिसेप्शन जो है निपट चुका है, और मतलब वहाँ पर तो अभी भी हो रहा है क्योंकि ना लेट पहुँची बारात, आज जाम था बहुत ज़्यादा, इस वजह से हर चीज़ लेट ही हुई, जैसे सासु भेंट वगैरह, फिर बारात भी यहाँ लेट में ही पहुँची। अब देखिए इतनी रात को जा रहे हैं हम घर, रात के बजे हैं 2 और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से कल एक और नए ब्लॉग के साथ, और आई होप आप लोगों को ये पहाड़ की वेडिंग पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो कॉमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर।